हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन को कैसे फास्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका फ़ोन भी स्लो हो गया है, आपको लगता है कि मेरा फ़ोन पहले से स्लो हो गया है, पहले मेरा फ़ोन फास्ट चलता था लेकिन अभी स्लो चल रहा है। अगर आप अपने फ़ोन में किसी भी ऐप को ओपन करते हैं तो ओपन करने में भी टाइम लगता है और बंद करने में भी टाइम लगता है। हम इसको फास्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने फ़ोन को फास्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, 100% आपका फ़ोन फास्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है, कोई सा भी फ़ोन है, तो दोस्तों आप सभी फ़ोन में ये सेटिंग ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सेटिंग सारे फ़ोन में रहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास रेडमी का फ़ोन है तो इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा या मेरे पास रियलमी का फ़ोन है तो मेरे में ये ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा कोई भी बात नहीं है, ये ऑप्शन सारे फ़ोन में रहते हैं। तो दोस्तों आपको इसको सिंपली इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन के सेटिंग ऐप को सिंपली ओपन कर लेना है। सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अबाउट फ़ोन में चले जाना है। दोस्तों, आपके फ़ोन में जहाँ पर भी अबाउट फ़ोन है आपको सर्च कर लेना है सिंपली, और इसके बाद आपको अबाउट फ़ोन पर सिंपली क्लिक करना है। अबाउट फ़ोन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में वर्जन लिखा हुआ ढूंढ लेना है। आपके फ़ोन में जहाँ पर भी वर्जन लिखा होगा, अगर दोस्तों आपके पास रेडमी का फ़ोन होगा तो वहाँ पर MIUI वर्जन लिखा होगा, अगर आपके पास रियलमी का फ़ोन होगा तो यहाँ पर वर्जन बेसबैंड एंड कर्नल लिखा हुआ होगा, अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन होगा तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन में सिंपली वर्जन लिखा हुआ ढूंढ लेना है। इसके बाद सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, ये सेटिंग सभी फ़ोन में रहता है, बस अलग अलग नाम से रहता है, तो आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है। जैसे दोस्तों सभी रेडमी के फ़ोन में MIUI वर्जन रहता है तो आपको उस पर सिंपली 7 बार क्लिक करना है। और अगर आपके पास रियलमी का फ़ोन है तो जैसे ही आप वर्जन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्ड नंबर लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको सिंपली इस पर 7 बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर 7 बार क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो आपने अपने फ़ोन में जो भी पासवर्ड लगाया है आपको सिंपली यहाँ पर वो पासवर्ड को टाइप कर लेना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में एक डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में एडिशनल सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों देख सकते हैं मेरे में यहाँ पर है एडिशनल सेटिंग, तो सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में एक नया सेटिंग आपको देखने को मिलेगा, डेवलपर ऑप्शन। इससे पहले दोस्तों आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन के नाम से कोई भी सेटिंग नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आप जैसे ही बिल्ड नंबर या वर्जन पर क्लिक करेंगे 7 बार तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों अगर ये ऑफ होगा तो सिंपली आपको इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों आपको सीधा नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। नीचे स्क्रॉल डाउन आप जैसे ही करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर विंडोज एनिमेशन स्केल देखने को मिल जाएगा, और नीचे में ट्रांजेक्शन एनिमेशन जूम एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, ये तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इसी तीनों ऑप्शन को इनेबल करके अपने फ़ोन को फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अभी आप यहां पर देख सकते हैं एनिमेशन स्केल 1x पर सेलेक्ट है, तो दोस्तों आपको यहां पर एनिमेशन स्केल 0.5 पर सेलेक्ट कर देना है। आपको इस तीनों को 0.5 पर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहां पर 0.5 पर सेलेक्ट किया तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मैं अपने फ़ोन को यहां पर बैक करता हूं, तो दोस्तों देख सकते हैं तुरंत ओपन हो जाता है। जैसे ही मैंने यहां पर सेटिंग को ओपन किया तो ओपन हो गया। दोस्तों इस सेटिंग को इनेबल करने पर होता यह है कि जब आप अपने फ़ोन में किसी भी ऐप को खोलते हैं तो दोस्तों आपको एक एनिमेशन दिखाई देता है, और दोस्तों जब बंद करते हैं तो भी आपको एक एनिमेशन दिखाई देता है, तो वो एनिमेशन यहाँ पर बंद हो जाता है जिसके वजह से दोस्तों फ़ोन फास्ट हो जाता है। जैसे कि दोस्तों मैं अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको सेटिंग को ओपन करके। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेटिंग ओपन किया तो दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा एनिमेशन आया, और जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ तो दोस्तों फिर भी देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा एनिमेशन आया। अगर दोस्तों मैं इस एनिमेशन को ऑफ कर देता हूँ तो दोस्तों आप देखिएगा और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ से इस तीनों को ऑफ कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस तीनों को ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद दोस्तों अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पर सेटिंग ओपन करूँगा तो तुरंत ओपन हो जाएगा, कोई भी एनिमेशन नहीं होगा, और मैं यहाँ से बैक भी करूँगा तो भी कोई एनिमेशन नहीं होगा। देख सकते हैं मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं सीधा बंद हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं विंडो एनिमेशन को 2x पर या 5x पर कर देता हूँ तो देखिएगा आप क्या होगा। तो मैं यहाँ पर 5x पर कर लेता हूँ तीनों को। तो दोस्तों अभी आप देखिएगा मैं अपने फ़ोन को बैक करूँगा तो कितना स्लो ये बैक होगा। देख सकते हैं दोस्तों ये कितना स्लो चल रहा है।
और दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर सेटिंग ऐप को बंद किया तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह का एनिमेशन हुआ, और जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो भी एनिमेशन होगा, देख सकते हैं दोस्तों। और किसी भी ऐप को मैं यहाँ पर ओपन करूँगा या बंद करूँगा तो दोस्तों एनिमेशन देखिएगा किस तरह से होता है। देखिए दोस्तों ऐप को ओपन होने में कितना टाइम लग रहा है और ऐप को बंद होने में भी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहां पर एनिमेशन को ऑफ करके या एनिमेशन को 0.5x पर सेलेक्ट करके आप अपने फ़ोन को फास्ट कर सकते हैं पहले से ज़्यादा। जी हां दोस्तों, इससे दोस्तों आपका फ़ोन फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका अगर फ़ोन स्लो होगा तो दोस्तों आप अपने फ़ोन को आसानी से फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये सेटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह का मोबाइल टेक और यूट्यूब से रिलेटिव टिप्स जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।